हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं आपको बताऊंगा आपकी गाड़ी का चालान कैसे जमा करें। आप किसी भी स्टेट में रह के जमा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई चालान पेमेंट करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लें और ई चालान डॉट परिवहन डॉट गोव डॉट इन सर्च करें। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चेक चालान स्टेटस पे क्लिक करें। यहाँ आप तीन तरीके से अपने चालान डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए, कैप्चर कोड डालिए और गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं, आपका चालान डिटेल आ जाएगा। दूसरा, अपना गाड़ी का नंबर डालिए, चेसिस नंबर या इंजन नंबर डालिए, कैप्चर कोड डालिए और गेट डिटेल पर क्लिक करिए, आपका चालान डिटेल आ जाएगा। और तीसरा, यहाँ पर आप अपना चालान नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चर फिल करेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपका चालान डिटेल आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करिए, अपना मोबाइल नंबर टाइप करिए और यहाँ पर जो आपके मोबाइल में OTP आएगा उसे टाइप कर दें और सबमिट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें, प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पे क्लिक करें। यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लीजिए। SBI या अदर बैंक से आप जमा करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ SBI नेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से अपना user ID और पासवर्ड डालिए। लॉगिन करते ही आपका पैसा कट जाएगा। यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। यहाँ से आप अपना चालान रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स।